नमस्कार, मैं हर्षित गुलाटी वायरल वर्सेस फैक्ट न्यूज के पॉलिटिकल डेस्क पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हाल ही में होने वाले बिहार इलेक्शंस की वजह से वहां का राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। इसी बीच आरजेडी के बड़े नेता और महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का आया है बड़ा बयान। इसके लिए देखें हमारी खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव के बीच सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने महंगाई को मुद्दा बनाने की कोशिश की है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने प्याज की माला लेकर लोगों के सामने पहुंचे और प्याज और आलू की बढ़ती कीमत को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आलू प्याज की कीमत लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार का ध्यान इसी ओर नहीं है। यही नहीं, तेजस्वी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करते हुए लिखा कि कमर तोड़ महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी से आम आदमी त्रस्त पड़ा हुआ है। काम धंधा सब ठप पड़ गया है। किसान, मजदूर, नौजवान और व्यापारी वर्ग का खाना लाले पड़ गए हैं। छोटे व्यापारियों को बीजेपी सरकार ने तो मार दिया है। महंगाई बढ़ने पर लोग प्याज की माला पहनते हुए नजर आ रहे हैं। अब हमें ये काम सौंप दिया गया है। साथ ही ये भी कहा कि पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने के सामान में बढ़ोतरी की जा रही है, जिसके चलते बिहार में ब्लैक मार्केट बढ़ गया है। गौरतलब है कि बिहार में पहले चरण के प्रचार का कल आखिरी दिन था और राजनेता बड़े पैमाने पर रैलियों को संबोधित करते नजर आए। तेज प्रताप यादव ने इस बार सहारनपुर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। सोमवार को तेज प्रताप के लिए प्रचार करने के लिए उनके भाई और आरजेडी और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी उनके साथ पहुंचे। खैर, इस बयान पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।